हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम। मैं पूजा आप लोग का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो पूरे परचम के परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी राखी। आई थिंक आप लोग ने राखी का फेस्टिवल बहुत इन्जॉय किया होगा, राइट? तो यहाँ पर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है वो लाइन अप है, उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी सीरीज़ चलाई जा रही है। तो इसके पुराने सारे वीडियो आप परचम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि साइमन कमीशन भारत आता है और भारत के जो लोग हैं वो साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें सारे के सारे मेंबर्स जो है ब्रिटिशर्स हैं, भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसलिए नेहरू रिपोर्ट आती है, फिर इसके बाद जिन्ना की डिमांड्स आती हैं, और फिर फाइनली साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 1930 में पब्लिश होती है। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर बोला जाता है कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं लंदन में, और वहाँ पे सारे पॉलिटिकल लीडर भारत के संविधान बनाने की बात करेंगे। तो जो आपका तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, उसका रिजल्ट ही आपका क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, हालांकि ये पॉलिटी का टॉपिक है, यहाँ पे सर आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा देती हूँ, ठीक है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके अलावा त्रिपुरी क्राइसिस, फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, मतलब एक कह सकते हो कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो आज हमारा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, एक बार लिंक को शेयर कर देंगे जिससे आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी तैयारी को अच्छा कर सकें। और रही बात PDF की, तो परचम की वेबसाइट पर जाके आपको PDF मिल जाएंगी। और जो पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। जैसा कि मैंने कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नतीजा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया सबसे बड़ा एक्ट है, और इस एक्ट को 1935 के एक्ट को दो पार्ट्स में बनाया गया था। एक तो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और दूसरा था गवर्नमेंट ऑफ वर्मा एक्ट 1935, ठीक है ना? इसको दो पार्ट्स में यहाँ पे बनाया गया था। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर वो देखते हैं। सबसे बात करते हैं द्वैध शासन की, डायर्की एट सेंटर। अच्छा सुनिएगा, जो 1919 का आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उसमें कहा गया था कि हम प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत करते हैं। आज अगर हम भारत में बात करें तो हमें यहाँ पर भारत में भी डायर्की देखने को मिलती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर्स होती हैं, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही आपको यहाँ पर डायर्की एट सेंटर, मतलब प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत यहाँ पर की जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे, अब प्रांतों में आपने द्वैध शासन लागू कर दिया है। आज के समय में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में दो हाउसेज है, राइट? एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। लोकसभा को आप लोअर हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, और डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं 5 साल के लिए, राइट? और दूसरा होता है राज्यसभा, जिसको परमानेंट हाउस कहते हो, ठीक है ना? इसको कभी डिसॉल्व नहीं कर सकते, और इसकी जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर 6 साल का होता है। वैसे यहाँ पे एक लेजिस्लेचर, मतलब एक विधानसभा बनाने की बात की गई, एक पार्लियामेंट बनाने की बात की गई, जिसको बाइकैमरल भी बोल सकते हो। इन्होंने कहा कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द फेडरल असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट सिमिलर टू द राज्यसभा, मतलब इट इज़ सिमिलर टू द अपर हाउस। अपर हाउस होगा मतलब परमानेंट हाउस होगा, जिसके 1/3 मेंबर जो है वो हर 3 साल में क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। क्योंकि देखिएगा, आज का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं तो राज्यसभा आज भी परमानेंट हाउस है, लेकिन हर 2 साल में 1/3 व्यक्ति जो है वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। मतलब अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आज हमारा भारत का जो संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, या सबसे अधिक बातें हमने कहाँ से अडॉप्ट की हैं, तो आंसर आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो आज भी भारत के संविधान में सबसे अधिक चीज़ें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की देखने को मिलती हैं। तो कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट होगी जो अपर हाउस होगा, परमानेंट हाउस होगा, इसके 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होंगे 3 साल में। इसमें टोटल 260 मेंबर होंगे, जिनमें से 156 मेंबर जो है वो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और रिमेनिंग जो मेंबर है वो इंडियन स्टेट से होंगे। इसके अलावा होगा फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली सिमिलर टू द लोअर हाउस या फिर लोकसभा के सिमिलर होगा, ठीक है ना?
ये परमानेंट हाउस नहीं होगा, इसके व्यक्तियों का टेन्योर 5 साल के लिए होगा, 5 ईयर के लिए व्यक्ति चुने जाएंगे। टोटल मेंबर 375 होंगे, जिनमें से 250 मेंबर्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया से होंगे और 125 लगभग मेंबर प्रिंसली स्टेट से होंगे। प्रिंसली स्टेट के जो व्यक्ति होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे, 5 साल के लिए होंगे। साथ ही साथ बोला गया, जैसे कि आज भी हम लोकसभा को भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही कहा गया कि हम इस फेडरल असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकते हैं और इसके जो इलेक्शन होंगे वो इनडायरेक्ट पद्धति से होंगे। ठीक है, अगली क्या बात की गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द प्रोविंसेस। अब केंद्र और राज्यों के बीच में आज भी पावर देखने को मिलती है, आज भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। अगर आप भारतीय संविधान के शेड्यूल नंबर 7 में जाते हो तो आज भी आपको वहाँ पे 3 लिस्ट मिल जाएंगी। तो वही 3 लिस्ट यहाँ पे फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो समवर्ती सूची होती है, जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल को भी होता है और स्टेट को भी होता है, लेकिन सेंट्रल की वैल्यू ज़्यादा होती है। फेडरल लिस्ट में एक्सटर्नल अफेयर्स थे, करेंसी थी, मिंटिंग एंड प्रिंटिंग प्रेस थी, डिफेंस एक्सरसाइज थी, नेवल एक्सरसाइज थी, एयरफोर्स का और सेंसस मतलब जनगणना थी। आज भी ये सारे मुद्दे केंद्र सरकार के पास होते हैं। प्रोविंशियल लिस्ट जो थी वो पुलिस था, एजुकेशन था, ये सारे मुद्दे यहाँ पे रखे गए, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। अगली बात सुनिएगा, इसको लिंक बनाते हैं हम 1857 के रिवॉल्ट से। अच्छा, 1857 की क्रांति मैंने आपको डिस्कस की, उसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसका पूरा कंट्रोल ले लिया जाता है। अब कंट्रोल किसके हाथ में है, ब्रिटेन की क्राउन के हाथ में है, ब्रिटिश की गवर्नमेंट के हाथ में। और कहा जाता है कि हम नया पोजीशन जनरेट करते हैं जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहेंगे, भारत का सचिव। भारत का सचिव वो व्यक्ति होगा जो लंदन में बैठेगा और भारत के लिए कानून बनाएगा। ये बात कब की गई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आया, लेकिन ईस्ट इंडियन सेक्रेटरी का जो पोजीशन था उसको डिसॉल्व कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बहुत दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला, भारत सचिव का पद कब आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से आया। भारत सचिव का पद कब ख़त्म किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसको ख़त्म कर दिया गया। ये बात भी हो गई। चलो अगली बात देखते हैं, फेडरल बैंक। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है, भारत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कैपिटल है, और ये सारी कैपिटल को, इस पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है। सारा पैसा देश के बाहर जाता जा रहा है, भारत गरीब होता जा रहा है और हम सोने की चिड़िया कह रहे हैं, राइट। तो अब ज़रूरत है भारत में एक सेंट्रल बैंक बनाने की, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार कहा गया कि भारत में एक सेंट्रल बैंक की बनाने की ज़रूरत है, जो भारत के लिए करेंसी को प्रिंट भी कर सके। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ज़रिए भारत में RBI बनाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया 1935 में। किससे बना ये, तो ये बना RBI एक्ट 1934 से ये बना। कहाँ पर बना ये, तो ये बना कोलकाता में। हालांकि 1937 में इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तो आज भी ये 1937 के हिसाब से मुंबई में RBI का हेड ऑफिस देखने को मिलेगा। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर बना दिया गया। रिज़र्व बैंक के अलावा अब भारत में ज़रूरत है एक फेडरल कोर्ट की, जैसे कि आज हमारे भारत देश में एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है। तो भारत के मुद्दों को निपटारा करने के लिए भारत में एक संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट होना चाहिए। तो ये बात कब की गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की गई। तो एक फेडरल कोर्ट होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक CJI होता है, राइट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और उसकी मदद करने के लिए 6 और जजेस होंगे। मतलब टोटल कितने जजेस होंगे फेडरल कोर्ट में, 7 होंगे, ऐसी बात की गई। तो जल्दी से कॉमेंट में मुझे बताइए कि अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में CJI को मिलाकर टोटल कितने जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। ठीक है, अगली बात देख लेते हैं। अब हालांकि 1853 अब पढ़ते हैं, लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने रेलवे की शुरुआत की थी और मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की रेलवे आपने चलाई थी। अब बात आती है कि रेलवे लाइन को और एक्सटेंड करना है, स्टेक होल्डर्स को बढ़ाना है, प्राइवेट कंपनीज को भी यहाँ पर बोलना है रेलवे में भागीदारी करें, ठीक है ना। यहाँ पर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे मतलब रेलवे को वास्ट करने की बात हो रही है और इस सारी चीज़ों के लिए कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो रेलवे को कंट्रोल करने के लिए एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी बननी चाहिए और कहा गया इसमें 7 मेंबर्स होंगे। इसमें क्या होंगे, 7 मेंबर होंगे जो कि कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर से फ्री होगी। तो यहाँ पर रेलवे अथॉरिटी बनाने की बात कहाँ की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में की गई है।
अब देख लेते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंसेस। यहाँ पर कुछ नए प्रांतों का गठन किया गया, जैसे कि सिंध बॉम्बे से सेपरेट करके सिंध प्रांत बना दिया गया, और उड़ीसा और बिहार को भी डिफरेंट प्रांत यहाँ पर बना दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इसके अलावा यहाँ पे बर्मा की बात कर लेते हैं। उस समय इसे वर्मा कहते थे, आज के समय में इसे म्यांमार कहते हैं। वर्मा की उस समय कैपिटल रंगून थी और आज म्यांमार की कैपिटल नाइपे ताऊ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ज़रिए हमने वर्मा को भारत से अलग कर दिया, और वर्मा भारत से 1937 में अलग हो गया, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आज अगर हम भारत की कंडीशन देखते हैं कि भारत में अगर हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो जाए या कोई दूसरा देश भारत पर हमला कर दे, तो उस केस में हम इमरजेंसी लगाते हैं। इमरजेंसी लगाने के राइट राष्ट्रपति के पास होते हैं और सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। आपने आर्टिकल 352, 356 इन सबको डिटेल में पढ़ा होगा। वैसे ही जो इमरजेंसी की बातें हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बात की जा रही है अंडर द सेक्शन 102 कि इन केस अगर हमारे भारत की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, या फिर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस होता है, कोई युद्ध की स्थिति आती है, तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और इमरजेंसी में सारी पावर किसके पास होगी? गवर्नर जनरल के पास की जाएगी, ऐसी बात की गई, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। जल्दी से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। तो भारत का संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है? तो 1935 का एक्ट है। यहाँ से भारत में फेडरल सिस्टम की मतलब संघीय सरकार की शुरुआत की जाती है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि प्रिंसली स्टेट इसमें शामिल नहीं होती, उनको ऑटोनोमस राइट दिए जाते हैं। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ रेसिडुअल पावर जो है वो वायसराय या गवर्नर के पास थी। यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तीन लिस्ट बनाई गई। फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट थे, राज्य सूची में 54 सब्जेक्ट थे, और समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट थे। दलित वर्ग, महिलाएं, मजदूर, इन सब के लिए सेपरेट इलेक्शन की बात की गई। भारत के सचिव का पद यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। भारत में सेंट्रल बैंक बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, वोटिंग राइट्स दिए गए, म्यांमार को वर्मा को अलग कर दिया गया। साथ ही साथ UPSC जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका गठन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया गया। जो भी मैंने बातें बोली हैं यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, सभी लोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने की कोशिश करेंगे, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ अ सेकेंड माइल स्टोन टूवर्ड्स अ कम्प्लीटिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट ऑफ टर्म ऑफ थ्री लिस्ट। सेकेंड, इट एबोलाइज्ड डायर्की इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशनल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। It further extend the principle of the communal representation by the providing separate electorate for the depressed class, women and the labor. Which of the following statements are correct? हिंदी में बता देती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है उनके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला कहता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और तीन अलग अलग लिस्ट बनाई गई। दूसरा कहता है कि यहाँ पे केंद्र में आपका द्वैध शासन की शुरुआत की गई, प्रांतों से द्वैध शासन को ख़त्म किया गया, लेकिन प्रिंसली स्टेट तो जो थी वो ऑटोनॉमस थी। यहाँ पर जो सेपरेट इलेक्शन था वो दलित, महिलाओं और मजदूरों के लिए बढ़ा दिया गया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक और दो, दो और तीन, एक तीन या एक दो तीन, जो भी आंसर है कमेंट में बताइएगा। चलो अब आगे की कहानी समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, इस एक्ट के जरिए भारत में इलेक्शन होते हैं। भारत में क्या होंगे? चुनाव। तो 1936-37 में भारत में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। कहाँ होते हैं? भारत के अलग अलग 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं, और इन 11 प्रांतों में जो चुनाव होते हैं उनमें से बम्बई, असम जैसे कई सारे प्रांतों में कांग्रेस जो है वो उभर कर आती है, और 11 में से 8 प्रांतों पर जीत किसकी होती है? आप कहेंगे कांग्रेस की होती है। अगर हम पंजाब सिंध का रीज़न देखें तो वहाँ पे मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेशन करती है। तो यहाँ पर ये लोग, कांग्रेस जब जीत जाती है तो अपनी गवर्नमेंट बनाती है, और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट होती है वो 28 महीनों की होती है, और 28 महीनों के बाद ये रिज़ाइन कर देते हैं। तो क्या इनके अचीवमेंट थे, और क्यों 28 महीनों के बाद इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को रिजॉल्व कर दिया या फिर रेजिग्नेशन दे दिया, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले 11 अलग अलग प्रांतों में ये इलेक्शन होते हैं, जिनमें से 8 प्रांतों में जो है वो कांग्रेस जीत जाती है, ठीक है, और इलेक्शन का रिजल्ट आता है, कांग्रेस की पार्टी बनती है, ओके। बंगाल जो है उसमें भी मुस्लिम लीग जो है वो उभर कर आती है, इस बात को आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं होता क्या है। 1936-37 में इलेक्शन होते हैं,
1939 में शुरू हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था गांधी जी के कहने पर, हमको कुछ मिला था? नो, कोई राइट्स नहीं, नथिंग। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने दिमाग बना लिया भाई अंग्रेजों का साथ तो नहीं देने का है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट द जर्मनी, जर्मनी के अगेंस्ट डिक्लेयर कर देते हैं कि भारत की जो सेना है या भारतीय जो है वो हमारे साथ हैं, और भारत के जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स का साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दे रहे हैं, ठीक है, विदाउट कंसल्टिंग द कांग्रेस आर द इलेक्टिव मेंबर ऑफ द सेंट्रल असेंबली। ये क्या बात हुई, भारत को युद्ध में उतार दिया और भारत के लोगों से पूछा नहीं? तो कांग्रेस अपोज करती है कि नहीं, हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है। इसलिए ये कांग्रेस के जो लीडर हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट है ये 28 महीनों की गवर्नमेंट होती है मात्र। अब जब रिज़ाइन कर देंगे क्या आ जाएगी, इमरजेंसी आ जाएगी। तो भारत में इमरजेंसी को लगा दिया जाता है, कब तक? जब तक कि फ्रेश इलेक्शन 1946 में नहीं होते। क्लियर हुआ? अब 1939 में ये हुआ, लेकिन एक और समस्या यहाँ पर आती है, वो हम समझते हैं। अभी पहले कुछ अचीवमेंट देख लेते हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। सबसे पहले कांग्रेस ने सोचा कि भारत की जनता गरीब है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं, तो हमें कोई राइट्स नहीं है कि हम हायर सैलरी पे हों, तो हमें अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस करना चाहिए, अपनी सैलरी को रिड्यूस करना चाहिए। दूसरी बात, पब्लिक की जो प्रॉब्लम है वो हम तक पहुँचे तो ईजी एक्सेसिबल हों। मतलब अगर मैं नेता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं जनता से मिलूँ ही ना, हमको जनता से मिलना चाहिए, जनता की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। यूपी और बिहार में जो भी हमारे प्रिजनर्स हैं, जो भी राजनीतिक कैदी हैं, उनको रिहा करना चाहिए। हमें बोलने की आज़ादी, अगर भारत की कंडीशन लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो हम रिफॉर्म कैसे करेंगे। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर से बैन हटा दिया गया, किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया गया, टैक्सों में कटौती की गई। अब यहाँ पे लॉट ऑफ अटेंशन दिया गया प्राइमरी, टेक्निकल और हायर एजुकेशन पे। अलग अलग स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाए, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई की व्यवस्था कराई गई, अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन, हरिजनों के उद्धार के लिए काम किया गया। तो ऐसे काफ़ी सारे काम इस 28 महीने के ड्यूरेशन में कांग्रेस के द्वारा किए गए। अब कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होती है 1938 में हरिपुरा में। कहाँ पे होती है? हरिपुरा में ये कॉन्फ्रेंस होती है। चलो, कॉन्फ्रेंस होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो भी लीडर अच्छा काम करता है, जिसकी अप्रोचेबल होता है, पहुंच अच्छी होती है, लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं, इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, उसको चांस मिल जाता है कि वह अगली बार भी लीडर बने। तो सुनिएगा, 1938 में जो हरिपुरा का कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होती है उसके लीडर कौन होते हैं? उसके प्रेसिडेंट होते हैं सुभाष चंद्र बोस। इनका जो झुकाव था वो यूथ इन पर ज़्यादा मतलब भरोसा रखते थे, इसलिए जब 1939 में अगली कॉन्फ्रेंस होती है कांग्रेस की, उसमें भी प्रेसिडेंट किसको बना दिया जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। यहीं से बस लफड़ा शुरू हो जाता है। तो वही कहानी आज हमें समझनी है। अब 1939 में कहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है? तो आंसर आ जाएगा त्रिपुरी में। अभी त्रिपुरी कहाँ है? ये वही है जहाँ मैं रहती हूँ, जबलपुर में। ठीक है, हुआ ऐसा कि 1939 में भी प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन महात्मा गांधी के फेवरेट थे पट्टाभी सीतारमैया, और वो चाहते थे कि 1938 में आपने सुभाष चंद्र बोस को बनाया, ओके फाइन, पर 1939 में आप जो है वो पट्टाभी सीतारमैया को प्रेसिडेंट बनाइए। लेकिन बना दिया किसे? सुभाष चंद्र बोस को। तो गांधी जी थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, और जो कांग्रेस के प्रस्ताव आते हैं, बिल आते हैं, उनमें कोई भी कमेंट्स नहीं करते हैं। मतलब एक तरीके से गुस्सा बैठा है कोई व्यक्ति, भाई हमको देखना ही नहीं है, कुछ भी करो अपने मन से। तो सुभाष चंद्र बोस जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है, और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। इस पूरी कहानी को त्रिपुरी क्राइसिस या त्रिपुरी संकट कहा जाता है। अब जब सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन कर दिया है, पट्टाभी सीतारमैया को प्रेसिडेंट बनाया नहीं गया है, तो 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन है? तो आंसर आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके है, ठीक। अब थोड़ी सी बातें सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है, क्यों है? क्योंकि हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस बनाने की घोषणा भी की गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ होता है? 23 जनवरी को होता है 1897, कटक। आज उड़ीसा में है कटक, उस समय बंगाल प्रांत में हुआ करता था। प्रभावती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस जी के घर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है। और उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि 1939 में ये कांग्रेस को इस्तीफा दे देते हैं, जिसको आपने त्रिपुरी संकट कहा। अब कांग्रेस को इस्तीफा देने के बाद क्या आज़ादी की लड़ाई से बाहर हो जाएंगे? आंसर है नो।
अपना अलग एक संगठन बनाते हैं जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है और बहुत ज़्यादा सपोर्टर बंगाल की तरफ से इनको देखने को मिलता है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी कलकत्ता से पेशावर होते हुए जर्मनी बर्लिन जाके पहुंच जाते हैं और वहां पे हिटलर से मुलाकात करते हैं और हिटलर से बोलते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में हम आपका सहयोग चाहते हैं। तो हिटलर बोलता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां बर्लिन में पहुंच के ये फ्री इंडिया सेंटर भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्री इंडिया सेंटर। तो फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना भी 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बर्लिन में कर ली जाती है। हिटलर का सपोर्ट भी मिल जाता है, ये लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं जिससे ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ हम लड़ाई कर सकें और भारत को स्वाधीन करा सकें, भारत की स्वतंत्रता के लिए हम लड़ाई करते हैं, ठीक है। और फिर ये वापस कहाँ पर पहुँचते हैं? तो सिंगापुर पहुँचते हैं, ठीक है ना, जो कि जापानीज कंट्रोल में है सिंगापुर। सिंगापुर ये पहुँचते हैं और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की लीडरशिप को संभालते हैं। अब आज़ाद हिंद जो फौज है, हालांकि वो फौज या संगठन बनाने का काम सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं किया था, आज़ाद हिंद फौज का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले मोहन सिंह के दिमाग में आया था 1940 में। मोहन सिंह वो व्यक्ति हैं जो कि ब्रिटिश आर्मी में एक इंडियन ऑफिसर हैं और 1942 में आज़ाद हिंद फौज का पहला जो आर्मी ग्रुप है वो तैयार किया जाता है, ठीक है। जब जब अपने सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर पहुंचते हैं तो पूरी की पूरी आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस जी को दे दी जाती है और सुभाष चंद्र बोस जो है वो पहली अस्थाई सरकार, पहली आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की शुरुआत करते हैं जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, INA। तो INA की शुरुआत कर दी जाती है 21 अक्टूबर 1943 और आज़ादी की लड़ाई में कूद जाते हैं। अब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी सेना हो गई, जापान की सेना हो गई, इससे उनको समर्थन मिलता है और ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ ही लड़ाई करते हैं। अब लड़ाई में कूदने से पहले ये चाहते हैं कि गांधी जी का भी आशीर्वाद मिले। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी बनाते हैं महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए। मुस्लिम कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग इनकी सेना में होते हैं, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड जैसे अलग अलग ब्रिगेड्स बनाने का ये काम करते हैं। मतलब सारे धर्मों के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी इस सेना में दी जाती है। आज़ादी की लड़ाई में कूदने से पहले ये चाहते हैं कि महात्मा गांधी का आशीर्वाद भी इनको मिले, इसलिए ये रेडियो में घोषणा करते हैं और महात्मा गांधी को एड्रेस करते हैं। क्या एड्रेस करते हैं? फादर ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्रपिता। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का टाइटल दिया गया था। कब? 6 जुलाई 1944 को, ठीक है, सिंगापुर में INA की घोषणा के साथ। ये कहते हैं दिल्ली चलो का नारा देंगे। दिल्ली चलो का नारा देने के अलावा ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारा देंगे। और जो प्रिजनर्स हैं, जो इंडियन प्रिजनर्स हैं सिंगापुर वगैरह में, इंडियन सिविलियंस हैं उन सबको इकट्ठा करके INA को मजबूत करते हैं। लगभग 50,000 से 60,000 लोगों को INA में शामिल कर लेते हैं और ये सभी लोग जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। कहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं? इनसाइड द बॉर्डर ऑफ इंडिया इन इम्फाल एंड वर्मा। इम्फाल और वर्मा की जो बॉर्डर है वहाँ पर ये लोग लड़ाई कर रहे हैं और 1944 में इम्फाल में ये अपना तिरंगा भी फहराएंगे, ठीक है। तो ये सारे व्यक्ति यहाँ पर शामिल हो गए हैं जैसा कि मैंने कहा। अब देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज बहुत अच्छा काम कर रही है, अपने फ्लैग बना लिए हैं, अपनी करेंसी प्रिंट कर रही है, अपने स्टैम्प प्रिंट कर रही है, अपना नया सिविल कोड बना लिया, अलग अलग जगहों पे जाके अपने तिरंगे फैला रही है। इनफैक्ट जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है वो भी कब्जे में था, या किसके कंट्रोल में था? जापान के कंट्रोल में था। जापान के द्वारा अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र बोस जी और उनकी INA को दे दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान एंड निकोबार जाके भी अपना फ्लैग फैलाया। अंडमान का नाम शहीद आइलैंड और निकोबार का नाम स्वराज आइलैंड भी रखा। तो इस तरीके से अलग अलग रीज़न में इन्होंने नेशनल फ्लैग को होस्ट किया। द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड इन अ कोहिमा एज वेल नागालैंड इन मार्च 1944। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की सेना हार जाती है और जापान और जर्मनी का सपोर्ट तो ही था INA को। मतलब एक तरीके से कहते हो कि INA हार जाती है। INA का हारना मतलब सुभाष चंद्र बोस जी की हार। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज जो सेना है वो हार जाती है और वो सरेंडर कर देती है ब्रिटिश आर्मी के सामने। इसलिए जो आज़ाद हिंद फौज है वो भी हार जाती है और वो भी सरेंडर कर देती है ब्रिटिश आर्मी के सामने। उसी समय अंडमान से जो सुभाष चंद्र बोस जी है वो जापान की तरफ निकलते हैं, ताइवान की तरफ निकलते हैं और एक
हवाई दुर्घटना में उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है और वो मारे जाते हैं 18 अगस्त 1945 को, ऐसा हम बुक्स में पढ़ते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं ये फेक है, वो नहीं मरे थे, उस विमान में वो थे ही नहीं, उनका विमान एयर क्रैश हुआ ही नहीं था। और फिर बहुत सारे आप मूवीज़ भी देखते हो, गुमनामी बाबा जैसी मूवीज़ भी हैं। अब एक्चुअली क्या हुआ था, वो उसमें थे या नहीं, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, वो किसी को भी नहीं पता। लेकिन हम बुक्स में पढ़ते हैं कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है। अब ये INA का क्या, अब इस INA का क्या, तो सुनिएगा अंतिम बात। अब INA ने सरेंडर कर दिया है, अब इन पे एक केस चल रहा है सेडिटेशन का, राजद्रोह का, निष्ठा को तोड़ने का। कहाँ पे चल रहा है, लाल किले में। इसको लाल किला मुकदमा कहा जाता है, जो कि 1945 की बात है। और इस लाल किले मुकदमे में जितने INA के ये बड़े बड़े सिपाही हैं उन सब को दंड दिया जाता है, सज़ा दी जाती है। लेकिन अब पैरवी भी तो कोई करेगा ना, INA का कोई साथ तो देगा, कोई ना कोई वकील होगा, वकालत करेगा। तो भूलाबाई देसाई जो है वो वकील होते हैं INA के, और इनका साथ देते हैं तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू। और उस समय जो गवर्नर है वो लॉर्ड बेबल है, और भारत की उस समय की जो भी पॉलिटिकल कंडीशन या ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड बेबल जो है वो INA के सिपाहियों की सजा को माफ़ कर देते हैं, और इस तरीके से आज़ाद हिंद फौज ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि 1935 से 1945 तक भारत में क्या क्या एक्टिविटी हुई। इसके आगे या इसके बीच की जो बातें छूट गई, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, वो सारी बातें हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अब आपको क्या करना है, तो आपको परचम के एप्लीकेशन में जाकर आज की वीडियो से रिलेटेड जो MCQs है उसे सॉल्व करना है। सो थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अपने ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे।